जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, दर्शनास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खस्तेदार और हलवाई जैसे समोसे बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपने समोसे में इमली की चटनी, प्याज, चाट मसाला वगैरह डाल के खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको नए तरीके की चाट बनाना बताऊंगी। मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाते हैं समोसा। हम पहले समोसे के लिए आटा गूंथेंगे। 2.5 कप मैदा है, 1/4 कप डालडा घी लिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कलौंजी जिसे प्याज के बीज भी कहते हैं, 1 स्वाद अनुसार। इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने डालडा घी का मोइन डाला है जिससे समोसे लंबे समय तक क्रिस्पी रहते हैं। आटा हमें पूरी के जैसा कड़क गूंथना है। हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे, एकदम से नहीं डालना है। इस तरह से कड़क आटा गूंथेंगे। थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं और हम समोसा के साथ खाने के लिए मट्ठा बनाएंगे। मट्ठे के साथ में समोसा बहुत ही टेस्टी लगता है। 1.5 कप दही है, इसे हम पहले फेंट लेते हैं। ज़्यादा पतली नहीं करना है, इस प्रकार की कंसिस्टेंसी रखना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। आइए अब इसमें मसाला करते हैं। अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून है। लहसुन 1 टीस्पून है, इसका भी पेस्ट किया हुआ है। तेज मिर्च है, मैंने इसे पीस लिया है। आप स्वाद अनुसार तीखा जैसा भी आपको पसंद आए उस प्रकार डालें। मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मेरा होममेड छाछ मसाला है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दो टीस्पून डाला है, सबको मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ में समोसे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। अब इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं थोड़ी। ये हमारा मट्ठा तैयार है। समोसे के लिए मसाला तैयार करते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें 1.5 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 1 टीस्पून राई जीरा डालेंगे। गैस लो कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हींग डालते हैं। कड़ी पत्ता काट के रखा है, कड़ी पत्ता डालेंगे। मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून है। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। गैस लो रखेंगे। हल्दी 1/4 टीस्पून है। काजू के टुकड़े करके डाला है।
फ्रोजन मटर है, 2 टेबलस्पून डाला है। आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। मैंने 4 मीडियम आलू लिए थे जो बॉईल करके मैश करके रखा है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। गरम मसाला है 1 टेबलस्पून है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च एकदम तेज वाली ली है, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। अब धनिया पत्ती डालते हैं। 1/4 कप धनिया पत्ती है, इसे बारीक काट के डाला है। समोसे का मसाला तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। समोसे का मसाला ठंडा हो गया है, अब हम समोसे बनाते हैं। आटा भी अच्छा सेट हो गया है, इसके हम इस प्रकार का लोया लेना है। एक बार आटे में लगाएंगे। मैंने मैदा लिया है, एक बार मैदे में घोल के फिर बेल लेते हैं। हमें इसे लंबगोल बेलना है, एकदम गोल नहीं बेलना है। इस प्रकार से बेलेंगे और इसे बीच में से कट लगाएंगे। जहां से हमने कट लगाया है वहां पर हम थोड़ा पानी लगाएंगे। इस प्रकार से अंगूठा रख के ऐसा करेंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे। कौन बना लेंगे इस प्रकार से। अब इसमें मसाला भरते हैं। इसे फिर से थोड़ा सा पानी लगाएंगे ऊपर की साइड से। इस प्रकार करेंगे। और एक बार बता देते हैं। इसी प्रकार सभी समोसे बना लेते हैं। समोसे बना लिए हैं, अब इसे हमें तलना है। पहले तेल गरम होने देना है, अच्छे से तेल गरम हो जाएगी फिर बाद में एकदम स्लो कर देना है। तेल गरम हो गया, हमें इसी प्रकार से तेल गरम चाहिए। एकदम स्लो गैस पे करना है, इससे ये धीरे धीरे ऊपर आ जाए, बाद में हम मीडियम करेंगे। थोड़ा मीडियम करते हैं, मीडियम टू लो पे ही तलना है इसे, हमें क्रिस्पी बनाना है। पहले स्लो गैस पे हम डालेंगे जिससे वो धीरे धीरे ऊपर आए, बाद में हमें थोड़ा सा मीडियम कर देना है। देखिए इस प्रकार से लाल तलना है, बढ़िया कलर आया है ना। इसी प्रकार
अभी तल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे समोसे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। देखिए, एकदम क्रिस्पी है। और इसे एक बार मट्ठे के साथ में ज़रूर खाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। जय श्री कृष्णा।